नमस्कार दोस्तों। 22 सितंबर को राज्यसभा में जो दृश्य देखने को मिला, जिस तरह उपसभापति पर जो नियम पुस्तिका होती है वो फाड़ करके फेंकी गई, जिस टेबल पर बैठ करके राज्यसभा के बड़े अधिकारी नोटिंग करते हैं, उस टेबल पर चढ़ करके जिस तरह से नृत्य किए गए, तालियां बजाई गई, मार्शल के साथ धक्का मुक्की की गई, एक मार्शल का गला दबाने की कोशिश की गई, ऐसे दृश्य भारतीय संसद में मेरी याद में तो कभी नहीं हुए। और उसके बाद अंदर हिंसक वातावरण क्रिएट करने के बाद गांधी जी की प्रतिमा के पास जाकर के बैठना और वहाँ कुछ पोस्टर हाथ में लेकर के ऐसा प्रदर्शित करना कि जैसे ये शांति के पुजारी हैं। मेरे साथ मुंबई से जाने माने पत्रकार और लेखक भाऊ तोरसेकर जुड़े हुए हैं। भाऊ, मैंने भी बहुत सालों तक पार्लियामेंट कवर की है और उस समय की है जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और सोमनाथ दास से लेकर के बहुत सारे ऐसे चेहरे थे, जब बोलने के लिए खड़े होते थे तो पूरा सदन शांत हो जाता था, एक दूसरे का लिहाज किया जाता था। वो सारे लिहाज खत्म क्यों हो रहे हैं? और इस तरह के दृश्य, शर्मनाक दृश्य, पार्लियामेंट में क्यों दिखाई देने लगे हैं? ये तो धीरे धीरे होते आ गया है। मुझे जो कुछ हुआ वो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि भाई जब कैमरे के सामने खड़े थे तो तमाशा जरूर करना चाहिए। गांधी जी के पुतले के सामने जो खड़े हो गए मूर्ति के सामने, तब तो चुपचाप क्यों थे मुझे समझ में नहीं आया। वो तो तमाशा करने की जगह थी, बहुत सारे चैनल के लाइव कैमरे चल रहे हैं। तो जहां एक ही कैमरा लगा है टीवी में हाउस में, तो वहां क्यों ये लोग मस्ती कर रहे थे? मस्ती करने की जगह तो बाहर थी ना। अगर संसद के परिसर में गांधी के पुतले के पास जिस तरह का बर्ताव हो रहा था, वही अगर हाउस में होता तो इनको सस्पेंड करने की जरूरत ही नहीं होती। जो स्लोगनियरिंग करनी थी वो तो बाहर करनी थी, लेकिन बिल्कुल उल्टा करेंगे, बिल्कुल उल्टा करेंगे। और फिर गांधी को भी पलटाना चाहते हैं कि गांधी के सामने जाकर बोलते कि देखो हम अहिंसक है। मैं आजकल गए 6 साल में एक बात देख रहा हूं कि हमारे शब्दकोश बदलते जा रहे। मैंने उस दिन भी बोला, घोटाले को आदर्श बोलते और ड्रग्स को टैलेंट बोलते, यानी ये सब शब्दकोश ही बदलता जा रहा है। लेकिन राज्यसभा में जो सिचुएशन है ये बिल्कुल नहीं समझ रहे। अब देखिए कि आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि अगले कुछ हफ्तों में राज्यसभा में 11 सदस्य जो रिटायर होने वाले, तो फिर वहां नए चुनकर आएंगे, वो यूपी और उत्तराखंड के 11 सदस्य। तो इनमें से अपोजिशन का एक भी आएगा कि नहीं, शायद पता नहीं। तो उसमें बीजेपी के 3 रिटायर होने वाले हैं और बाकी सब एंटी बीजेपी जो है वो 8। तो 8 की संख्या और कम होने वाली है, तो जी बीजेपी की संख्या 8 से बढ़ने वाली है। अगर आज भी उनके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, फिर भी वो अगर कुछ प्रस्ताव मंजूर करके ले जा रहे हैं, तो बैठ के सोचना पड़ेगा, बैठ के सोचना पड़ेगा कि हम इनके खिलाफ क्या करें। आपको खिलाफ ही करना है ना, कुछ उनके विरोध में कुछ करना है। तो जब अपोजिशन लंगड़ा होता है, दुबला होता है, उसकी संख्या कम होती है, तो उसको रूल्स के आधार पर जाना चाहिए। तो ये रूल के आधार पर नहीं जा रहे, रूल के आधार पर नहीं जा रहे, यही तो इनकी भारी गलती है। और ये लोगों को दिखा रहे हैं कि हम राज्यसभा लोकसभा में बैठने के लिए नालायक कैसे। जो प्रदर्शन किया उन्होंने, उधर सभापति पर हमला हो गया, तो इससे लोगों के मन में इंप्रेशन क्या जाता है ये सोचो कि हमने इनको इसके लिए चुनकर भेजा था, जबकि वहां बैठने के लिए जगह नहीं है।
राज्यसभा लोकसभा मिलाकर लोग जो विजिटर्स गैलरी है उधर भी सदस्यों को बिठाया जा रहा है, तो उसमें कितना मस्ती करेंगे, ये सब सोचना चाहिए ना। लेकिन सोचना ये शब्द ही भूल गए, बस चिल्लाओ, दंगा मस्ती करो। अच्छा, एक बात जो आपने बोली वो थोड़ी गलत है कि इसके पहले संसद में ऐसा नहीं हुआ तो हुआ है। मेरा ख्याल है 2013 में आंध्र का जो विभाजन हुआ था, उस वक्त लोकसभा में हुआ था, वो मिर्ची की पाउडर फेंकी गई थी। हाँ, वो किसी एक सदस्य ने किया था, लेकिन मस्ती तो बहुत सारे कर रहे थे। जी जी जी, तो लोकसभा में हुआ था, राज्यसभा में नहीं हुआ था। लेकिन एक बात और है कि राज्यसभा ये सीनियर्स का हाउस माना जाता है, जब जो लोग आम चुनाव जीतकर नहीं आएंगे लेकिन बुद्धिजीवी है, सोच समझ के काम करते, इनके लिए सभागृह रखा गया। अब वहां ये होने लगा तो रास्ते पर क्या होगा, क्योंकि ये लोगों का संयम टॉलरेंस खत्म हो गया कि हम अगर किसी को समझा बुझाकर हमारी बात मनवा नहीं लेते तो हम गुंडागर्दी पर उतर आएंगे, जो डेरेक ओब्रायन या कोई संजय सिंह ने किया है, वो क्या बात थी, रस्ते पर गुंडे करते हैं ना ये बात, ये रस्ते पर गुंडे उतर के ये बात करते हैं। तो इसी ढंग से अगर राज्यसभा में काम होने लगा तो सत्ता चलाने वाले बीजेपी के लिए काम आसान हो जाता है कि भाई इनको निकाल दो, तो आपकी जो संख्या है वो पहले से कम है, वो और सिकुड़ कर रह जाएगी। भाव, ये लोकसभा में इनकी संख्या क्यों घटी, अब राज्यसभा में क्यों घटती जा रही है, राज्यों से इनकी सत्ताएं क्यों चली गई, ये क्या इनकी समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए समझ में आता है लेकिन निकलने का रास्ता सोच नहीं पाते। अब आप चाइना की बात देखिए, चाइना ने तो हमेशा की तरह से कुछ गड़बड़ कर दी, उनको लगा था कि ये चलता आ रहा है इतने सालों से, जी तो आज भी चलेगा। आज ही मैंने चाइना का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, जी जी, उसमें एक आर्टिकल है और उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंडा नेशनलिस्ट लोगों ने हाईजैक कर दिया है। मेरी समझ नहीं आया कि ये ग्लोबल टाइम्स का कोई एडिटर लिख रहा है या सुधींद्र कुलकर्णी लिख रहा है, मणिशंकर अय्यर लिख रहा है, ग्लोबल टाइम्स का संपादक कौन है ढूंढना पड़ेगा। आज तक ये दादागिरी की बात कर रहे थे, अब बोलते जो भाषा यहाँ के सेक्युलर बोलते थे वो अब चाइना का मुखपत्र बोलने लगा है ग्लोबल टाइम्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंडा हिंदुत्व और नेशनलिस्ट लोगों ने हाईजैक कर दिया। तो चाइना का एजेंडा किसने हाईजैक किया है? तो बात ऐसी हो गई कि चाइना तो आगे ले आकर बैठ गया थोड़ा, हर समय वो करते थे, लेकिन इस समय उनको सामने से कोई खड़ा होकर जवाब पूछने लगा तो हड़बड़ा गए, ये कैसी बात हो, हम तो हमेशा करते हैं, आज क्या गड़बड़ हो गई भाई, आज क्यों आप चिल्ला रहे हो। चाइना को प्रॉब्लम ये है कि वो लड़ तो नहीं सकते, वो दिखावा वो बिल्कुल करेंगे, दिखावा बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये तो मेरे ख्याल है 79 से लेकर आज तक चाइना की फौज किसी से लड़ी ही नहीं है जी। वो हमारी ताकत इतनी है वो बताते रहिए, कांग्रेस का वही हो गया है कि आज तक ये बात हम सुनते हैं, सब पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस को हराना मुश्किल है, मुस्लिमों के वोट अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आप देश में सत्ता नहीं ला सकते, आप मेजोरिटी में नहीं आ सकते, ये जो दिखावा खड़ा कर दिया था वो तो मोदी ने गिरा दिया है जी। लेकिन ये उसमें से बाहर नहीं निकल रहे। देखो एक बात होती है, आप हमेशा से झूठ बोलते रहो, लोगों को झुठलाते रहो, हमारे मराठी में एक कहावत है लांडगा आला रे आला जी, तो ये जो लकड़बग्गा आता है कुछ बकरिया बकरिया पकड़ के लेके जाता है, तो एक बच्चा था वो हमेशा चिल्ला था लोगों को फंसाने के लिए, बोला लकड़बग्गा आ गया तो सब लोग काम धंधा छोड़कर
उसको ढूंढने उसके पीछे पड़ जाते थे, लेकिन बाद में पता चलता था तो आया ही नहीं जी। तो ये दूर बैठ के मजा लेता था, कैसे भाग दौड़ हो रही, हमने मजा किया, सब उल्लू बन गए। लेकिन एक दिन सचमुच लकड़बग्गा आ गया और ये चिल्लाने लगा, तो बोले ये बोल रहा है ना, इसका मतलब ही झूठ है, आने दो, कुछ करता है करने दो, उसको ही चिल्लाने दो, और उसको ही लकड़बग्गा पकड़ के लेके गया जी। तो इन लोगों की हालत अब ऐसी हो गई है कि जिससे लोग फंसते थे, उल्लू बनते थे, अब तो लोग उल्लू नहीं बनते, ये खुद की घोषणा पर खुद ही उल्लू बनने लगे, और उससे बाहर कैसे निकले वो पता नहीं चला। जैसे ड्रग्स की आदत होती है, अब जो ड्रग्स का मामला चालू है उसमें आदमी फंस जाता है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, और अगर बाहर निकलना है तो किसकी ना किसकी तो मदद लेनी पड़ेगी। तो ये बोलते मदद तो किसकी नहीं लेंगे, और कुछ समझाने की कोशिश करा वो तो समझ के नहीं, समझने नहीं चाहते, तो वह कैसे निकलेंगे। तो उसमें ही ये फंस गए कि अपने आप को और लोगों की नजरों से गिराते चले जा रहे, अपने ही जाल में फंस गए, और झूठ बोलते जाएंगे और झूठ बोलते जाएंगे। फिर एक समय ऐसा आता है कि और झूठ बोलने के लिए कुछ बचता नहीं और कोई इनकी सुनता नहीं, ये हालत ऐसी हो गई। और भाव जो उपसभापति हैं, ये पहले पत्रकार, लेखक, संपादक रहे, और बाद में जब जनता दल यू ने इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया तो उपसभापति भी बने, एक अच्छे खासे लेखक हैं, उनका जो लेटर है उपराष्ट्रपति के नाम, सभापति के नाम, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हर भारतीय को ये पत्र पढ़ना चाहिए, उन्होंने क्यों रिकमेंड किया है, मैं ये पत्र पढ़ रहा था भाऊ, इसके कुछ अंश मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा है, कल दिनांक 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में जो कुछ हुआ उससे पिछले 2 दिनों में गहरी आत्म पीड़ा, आत्म तनाव और मानसिक वेदना में हूं, मैं पूरी रात सो नहीं सका। जेपी के गांव में पैदा हुआ, सिर्फ पैदा नहीं हुआ, उनके परिवार और हम गांव वालों के बीच पीढ़ियों का रिश्ता रहा है। गांधी का बचपन से गहरा असर पड़ा, गांधी, जेपी, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों के सार्वजनिक जीवन ने मुझे हमेशा प्रेरित किया। जयप्रकाश आंदोलन और उन महान विभूतियों की परंपरा में जीवन में सर्वाधिक सार्वजनिक आचरण अपनाया। मेरे सामने 20 सितंबर को उच्च सदन में जो दृश्य हुआ उससे सदन आसन की मर्यादा को अकल्पनीय क्षति पहुंची है। अगले पैरा में उन्होंने और भी महत्वपूर्ण बात कही है भाऊ, उन्होंने लिखा है कि सदन के माननीय सदस्यों द्वारा लोकतंत्र के नाम पर हिंसक व्यवहार हुआ, हिंसक व्यवहार, आसन पर बैठे व्यक्ति को भयभीत करने की कोशिश हुई, उच्च सदन की हर मर्यादा और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई, सदन में माननीय सदस्यों ने नियम पुस्तिका फाड़ी, मेरे ऊपर फेंकी, सदन के जिस ऐतिहासिक टेबल पर बैठकर के सदन के अधिकारी सदन की महान परंपराओं को शुरू करने में, आगे बढ़ाने में मूक नायक की भूमिका अदा करते रहे हैं, उनकी टेबल पर चढ़कर सदन के महत्वपूर्ण कागजात, दस्तावेजों को पलटने, फेंकने और फाड़ने की घटनाएं हुई, नीचे से कागज के रोल बनाकर आसन पर फेंके गए, नितांत आक्रामक व्यवहार, भद्दे और असंसदीय नारे लगाए गए। वैसे तो ये लंबा है पत्र, लेकिन हिंसक व्यवहार आप सदन के भीतर करते हैं, और इन्होंने गांधी का नाम भी लिया है, जेपी का नाम भी लिया है, लोहिया का भी, कर्पूरी ठाकुर का भी, इसका मतलब ये है कि इस पत्र में उन्होंने सदन के उपसभापति के रूप में वेदना जाहिर की है, और इस देश के ऐसे महान पुरुषों का नाम लेते हुए इन पर एक तरीके से अटैक किया है, इनको एक्सपोज किया है कि ये गांधी का नाम लेकर के राजनीति करते हैं, ये लोहिया के नाम पर भी राजनीति करते हैं, हालांकि जेपी का तो नाम ही नहीं लेते क्योंकि जेपी ने तो इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंका था एक तरीके से 77 में। पर जिन प्रतीक महापुरुषों का नाम लेकर के ये गांधी सरनेम रखते हैं अपना,
और उसका राजनीतिक फायदा उठाते हैं, उनका नाम जरूर उन्होंने लिया है इस पत्र में। तो कांग्रेस जो है और कांग्रेस के ये नए सहयोगी आम आदमी पार्टी, जिनको दिल्ली के चुनाव में इन्होंने मदद भी की थी, एक तरीके से चुनाव से खुद को विड्रॉ कर लिया था कांग्रेस ने ताकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना लौट पाए, तो आज राहुल गांधी के इशारे पर ममता बनर्जी की पार्टी भी सदन में हंगामा करती है, आम आदमी पार्टी भी करती है, सीपीआईएम भी करती है। ये जो कांग्रेस का रूप स्वरूप बदल गया है और गांधी के जो सिद्धांत थे सत्य का, अहिंसा का, उसको पूरी तरह से खूंटी पर टांग दिया है इस पार्टी ने। नहीं, अभी दूसरा करे भी तो क्या करे, सवाल ये भी होता है ना कि छटपटाहट तब होती है कि जब आपको मालूम है कि आप हार चुके हैं और हार मानने में बहुत तकलीफ होती है। हारना एक बात होती है, लेकिन हारना कोई बड़ी बात नहीं है, और डेमोक्रेसी में कोई भी हारता है कोई भी जीतता है, लेकिन हार मानना बड़ी बात होती है। देखिए क्रिकेट में डकवर्थ लुईस नाम का एक रूल है जी, तो एक बार मुझे याद है कि बारिश आ गई, तो बारिश आ गई तो इसका या उसका गुनाह है नहीं, तो वो क्या बोलते हैं उसको, ओवर्स कम कर दिए जाते जी। और रिलेटिवली उसका कोई मैथमेटिकली गणित मान आता है और बोलते हैं कि अभी इतने बॉल बचे, इतने इसमें इतने रन्स बनाओ। तो एक बार मुझे गावस्कर कमेंटेटर था, बोला क्या मजाक है, क्योंकि वो कुछ साउथ अफ्रीका था उस मैच में, तो साउथ अफ्रीका को ये बात दी गई कि बारिश खत्म हो गई और अभी गेम पूरा करने के लिए एक ही बॉल डाली जाएगी और उसमें 36 रन। अब एक बॉल में 36 रन क्यों निकाल रहे हो भैया, वो कैसे निकालेगा। लेकिन उन्होंने ये मान लिया, हार मान ली जो गलत थी, अन्याय था, लेकिन इसको तो खिलाड़ी होना बोलते ना, स्पोर्ट्समैनशिप बोलते जी, कि रूल्स ने उनको हरा दिया, वो हार नहीं थे, उनका जो गेम प्लान था वो बारिश ने खराब कर दिया, लेकिन उन्होंने वो रिजल्ट माना। लास्ट वर्ल्ड कप में भी बाद में वो अंपायर ने मान लिया कि मैंने किसी को गलत ढंग से आउट दे दिया था, फिर भी सब पार्टियों ने मान लिया ना, तो इनसे अच्छा वो मैदानी खेल है, ये काय का पार्लियामेंट बोलते इसकी, इनके बजाय वो अच्छे पार्लियामेंट्री नम बोलेंगे। कैसे खेलते आप देखते हो, कितनी ताकत लगानी पड़ती है। फिर भी जो अंपायर होता है उसने अगर एक बात बोली तो वो मान लेते, दिखने में दिखाई देता है अन्याय है, इतनी भी सभ्यता जिनमें नहीं है उनको पार्लियामेंटरी बोलेंगे। पार्लियामेंट का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लड़ाई और हिंसा रोकने के लिए, हिंसा जिसमें है नहीं ऐसी लड़ाई का मतलब डेमोक्रेसी है। बिल्कुल, लेकिन जब मैंने उस दिन आपको बोला था कि हिंदू कोड के लिए, हिंदू कोड बिल जो था वो अगर मान नहीं रही थी गवर्नमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब अंबेडकर ने रिजाइन किया था कानून मंत्री पद से, तो उनको अपनी साइड रखनी थी, लेकिन अनंत शयन मयंगार नाम के जो उपसभापति थे वो बोले कि नियमानुसार आपको 6 घंटे या 4 घंटे पहले देना था, आपने दिया नहीं, लास्ट मोमेंट में आपको बोलने नहीं दूंगा मैं। नेहरू ने हस्तक्षेप नहीं किया, अगर नेहरू करते तो उनको चांस मिल जाता, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने वो रूलिंग मान लिया। अय्यंगार जो उपसभापति थे उन्होंने बोला कि ठीक है, आप आपका लिखित भाषण जो है वो पटल पर रख सकते हैं। बाबा साहब ने वो भाषण पटल पर रखा और सभा त्याग करके निकल गए। वो आदर्श है ये, रोज सुबह उठ के बाबा साहब का नाम लेते हैं, सोने के पहले बाबा साहब का नाम लेते हैं, तो पार्लियामेंट में किस ढंग से बर्ताव करना चाहिए उसका ये सबसे बड़ा आदर्श है। उनका संविधान आदर्श मानते हैं, उन्होंने दिए हुए अधिकार मानते हैं, वो चाहिए, लेकिन वो रूल्स रेगुलेशन किस ढंग से हम खुद पाले
उसका पालन करे, ये भी बाबा साहब ने बताया है, दिखाया है, लेकिन उसका तो उल्लंघन करेंगे। जो बसपा इस समय के है, तो उस वक्त ये लोग होते तो क्या हुआ होता असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जरा सोचिए, जरा सोचिए, बाबा साहब की जगह ये लोगों के, क्योंकि वो जो अन्याय था, वो जो अन्याय था बाबा साहब के समय, वो तो व्यक्तिगत था, उनका अधिकार था। एक मिनिस्टर रिजाइन कर रहा है तो अपनी साइड एक्सप्लेन करेगा, वो बताएगा, समझाएगा, वो भी नकारा गया था, फिर भी उन्होंने रूल्स का जो रेगुलेशन नियम है उसका पावित्र्य रखा था, वो रखा, वो निकल गए, वो मीडिया को दे दिया वो भाषण। और हम तो रोज बाबा साहब का नाम लेंगे, हम रोज गांधी जी का नाम लेंगे, गांधी क्या है? जब गांधी जी को पता चलता था कि उनके आंदोलन में कहीं भी छुटपुट हिंसा हो गई तो आंदोलन वापस लेते थे, उसका समर्थन नहीं करते थे। ये जो आज बोल रहे कि मुला, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने दो दिन का जो काम बचा था उस पर बहिष्कार डाल दिया, ये गांधीवादी है? इनको गांधी मालूम तो है? बिल्कुल नहीं। कि गांधी एक परंपरा होती है, गांधी एक सोच होती है, आप पुतले बना दो और उस सोच को ही मार दो तो पुतले से क्या होगा? पुतला तो एक सिंबल है, अंबेडकर जी हो या गांधी जी हो या बड़े लोहिया हो, जो कुछ है, जब लोहिया बोलते थे तो नेहरू एक जगह बैठकर, इंदिरा गांधी एक जगह बैठकर पूरा भाषण सुनती थी, प्राइम मिनिस्टर होकर भी। आज लोग किसी का सुनते हैं, किसी का सुनते हैं। और भाषा जो है, भाषा इतनी ताकतवर होनी चाहिए। भाषा कितनी ताकतवर होती है, आपको याद है पिछले लोकसभा के समय या राज्यसभा में रेणुका चौधरी प्रधानमंत्री के भाषण के दरमियान जोरों जोरों से हंसी मजाक कर रही थी, अट्टहास लगा रही थी, सभापति ने उनको चुप करने की कोशिश की तो मोदी जी बोले हंसने दो, रामायण के बाद ऐसी हंसी कहां सुनने को मिली। भाषा कितनी नम्र है लेकिन उसका वार कितना कितना भारी था कि वो क्या बोले और समझने भी एक डेढ़ मिनट चला गया। और उसके बाद में उन्होंने तो बोला नहीं था, लेकिन जो नाटक कर रहे थे वही बोले, उन्होंने सूर्पणखा बोला है, मोदी बोले नहीं थे। लेकिन बोलना और भाषा का संयम कितना बड़ा घाव दे सकता है उसका यह उदाहरण था। वो तो समझ लो, हाथ पांव नहीं चलाने पड़ते, शब्द बहुत भारी होते हैं लेकिन शब्द में, शब्द का अर्थ और उसके इस्तेमाल के पीछे का आशय अगर समझ ले तो उसके बाद आप गांधी जी, बाबा साहब, अंबेडकर, वहां तक लोहिया, उन तक पहुंच सकते हैं। आपको शब्द का अर्थ मालूम नहीं, आशय नहीं समझ पाते। और भाव ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। 2014 में, 2019 में और इन दो आम चुनाव में पूरे देश ने बताया कि वो किसको चाहते हैं, किस पर भरोसा है और किस पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा 2011 से हम देख रहे हैं राज्यों में ट्रेंड क्या है, वहाँ भी पता लग रहा है कि जनता किसको चाहती है, किसको नहीं चाहती है। इसके बावजूद आप पार्लियामेंट को रोकेंगे, काम नहीं करने देंगे, विधेयक पारित नहीं होने देंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे, हंगामे करेंगे, हिंसक बर्ताव करेंगे, ये तो डेमोक्रेसी का सम्मान नहीं है। नहीं है बिल्कुल, इनको भी मालूम है, इनको भी मालूम है, लेकिन अगर हम संख्या नहीं जमाएंगे तो करेंगे क्या? टेररिज्म करेंगे। पाकिस्तान हमसे लड़ नहीं पा रहा है तो ये वो टेररिज्म पर उतर आया, तो ये क्या है? ये पार्लियामेंट के अंदर का टेररिज्म है हमारा। मान लो तुम चुनाव जीतो कोई बात नहीं, लेकिन कारोबार हमारे तरीके से होना चाहिए, ये टेररिज्म हो गया। अगर लोगों ने मोदी को चुना है, प्राइम मिनिस्टर बनाया है, तो आप रोकोगे का मतलब क्या है? कि लोग माने या ना माने, हम बोलते ही वही चलाएंगे, इसको तो टेररिज्म बोलते हैं ना।
इसको टेररिज्म बोलते हैं। अच्छा है वो कश्मीर में हमारी सेना कोई टेररिज्म का बंदोबस्त कर रहे हो, उसको पीछे से पत्थर मारे जाएंगे, और इसको भी मतलब हिन्नता मानो, पत्थर मारना मतलब हिन्नता हो गई। तो ये मैंने बोला ना कि शब्दकोश नया बन रहा है कि देखो कैसा सूरज उगला है, तो आपको समझना चाहिए कि चांद निकला है। ऐसे तरीके से बोला जाता है। अभी बोलेंगे कि पहले बोलते थे मोदी को तो 31% वोट मिले, 69% उनके खिलाफ है, तो एनडीए को उस वक्त 43% वोट मिले थे। मानते हैं कि भाई बीजेपी को 31% वोट मिले थे, लेकिन और 12% वोट एनडीए को मिले थे, वो भी मोदी के लीडरशिप में मिले थे। तो आपको झूठ इंफॉर्मेशन कैसे दी जाती। तो इंदिरा जी को 2/3 मेजोरिटी मिली, उस वक्त भी 41% मिले थे, तो इन्होंने बोला था कि 59% तो इंदिरा जी के खिलाफ है। हम मार्क ट्वेन नाम का कोई लेखक विचार बनता है, उसने बहुत अमेरिका में पहली बार गया था, तो उनको पत्रकारों ने पूछा था सवाल, तो उन्होंने एक बताया था कि एक तो सीधा साधा झूठ होता है, दूसरा होता है वो बड़ा भारी झूठ होता है, लेकिन ये भी जो अच्छे झूठ है इससे भी अगर बड़ी बात होगी तो बड़ा झूठ होगा तो उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। आंकड़े आंकड़े आपको दिखाए जाते हैं और उससे कुछ भी मतलब निकाला जाता है, कुछ भी मतलब निकाला जाता है। राजीव गांधी को 415 सीटें 84 में मिली थी, फिर भी वोट उनके खिलाफ 50% से ज्यादा थे, 49% ही कांग्रेस को वोट मिले थे, इसका मतलब 51% तो खिलाफ थे। तो कोई बोला था नहीं ये तो राजीव गांधी उस पर बोल गए थे, ये तो चरण सिंह की पार्टी थी लोकदल, ये तो परलोक दल हो गया, उस समय की फैमिली प्लानिंग की स्लोगन थी एक या दो बच्चे हो अच्छे, तो बोले एक तो एक दो तीन बच गए, मजाक उड़ाया था। तब भी उस ऑपोजिशन को 51% वोट थे। तो मतलब ये है कि ये बोलते कि हम हारेंगे, फिर भी गुजरात में भी देखिए ना उन्होंने क्या किया था कि हमारी नैतिक जीत हो गई। तो ये बोलने का तरीका। हाँ आप ये देखो 31% वोट बता रहे हैं, लेकिन 282 सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें मिली थी। जब अटल जी की सरकार गई थी कांग्रेस को केवल 145 सीटें मिली थी, तो नरसिम्हा राव के मनमोहन सिंह की जो सरकार बनी थी उसको तो बिल्कुल कोई फैसला लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि 145 सीट मिली थी। बिल्कुल 2009 में 205 सीटें मिली थी, तो उसको भी कोई नैतिक अधिकार नहीं था फैसले लेने का, उनको हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहना चाहिए था पूरे 5 साल तक, कोई फैसला नहीं करना चाहिए था। तो ये क्या तर्क है? तर्क है ही नहीं इसमें, तर्क है ही नहीं। देखो बुद्धिजीवी अगर बुद्धि भेद करने लगे तो ऐसा ही होता है ना, ये बुद्धिजीवी है वही तो बुद्धि भेद कर रहे हैं। ये इनका कहना ऐसा है कि जो कोई गांगुली है और राहुल द्रविड़ है वो मैच खत्म होने के बाद बोलेंगे कि सचिन तेंदुलकर कैसे मैन ऑफ द मैच हो गया, उसने तो 125 बनाया, इसके 70 है और मेरे 80 है, तो मिलकर तो हमारे 150 हो गए, तो हमको ज्वाइंटली मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर करो। ये जो तर्क है ना वही तर्क यहां दिखाई देगा, यही तर्क यहां दिखाई देगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी को हराया था लोगों ने, लेकिन उनसे शिवसेना यहां आ गई और ये बोलते हमको मिला है। तो फिर वही तो कर्नाटक में बीजेपी ने किया, तो उसको ऑपरेशन कमल बोलेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्या किया, आपके थे वो तो रिजाइन होके यहां आ गए, लेकिन रिजाइन होके आ गए चुने हुए पूरा का पूरा, इन्हें हॉर्स ट्रेडिंग किसको बोलेंगे, एक या दो घोड़े खरीदो तो हॉर्स ट्रेडिंग हो गया,
लेकिन पूरा तबेला खरीदी करो हा? तो वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है क्या? अजीब बात है, शिवसेना यहां से वहां चली गई तो वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का कोई आता है तो हॉर्स ट्रेडिंग हो गई। तो ये बोलो शब्दों का खेल है, और इनको लगता है कि अभी भी जनता बच्चा है, बच्चा नहीं है, वो 70 साल की हो गई है। देखिए स्वतंत्र मिलने के बाद हम 73 साल आगे चलकर आए, अभी वो बच्चे नहीं रहे। वो मानते हैं कि चाचा नेहरू जब थे तब हम बच्चे थे, अब हम बच्चे नहीं है ना, अब हम 70 साल के हो गए। तो आप अभी भी हमको उसी तर्क से कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो हम आपका इंसल्ट नहीं करेंगे कि बोलेंगे कि ये तो सठिया गए, बुड्ढे हो गए, ये आउटडेटेड हो गए, इनकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है, फिर भी चलाने की कोशिश करें तो वो जो दवाई एक्सपायरी डेट हो गई है वो तो आप लेते हैं लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता। तो इनके जो तरीके है वो सब एक्सपायरी डेट होने के बाद का यूज है। भाव एक बात समझ में नहीं आ रही है, पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, लोकसभा में जो रिजल्ट 6 महीने में होने वाले जी, तो लोकसभा में जो रिजल्ट आए हैं तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच 3-3.5% वोटों का बिल्कुल अंतर रह गया है, निकट पहुंच गई है बीजेपी, तो टीएमसी की बौखलाहट समझ में आती है, असुरक्षा का भाव समझ में आता है, और उस असुरक्षा में और बौखलाहट में वो सदन के भीतर कुछ ऐसा करें तो वो भी समझ में आता है। लेकिन दिल्ली में तो विधानसभा चुनाव अब है नहीं, लोकसभा का भी चुनाव अभी है नहीं, ये आम आदमी पार्टी के अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेस्क पर चढ़कर के डांस करें, हथेलियां बजाएं, सरकार के खिलाफ इस तरह का मोर्चा खोलें, उपसभापति को अपमानित करें, ये क्या है? कहीं ये जो दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी के एक पार्षद की जो भूमिका एक्सपोज हुई है, और संजय सिंह से भी उसकी बातचीत चल रही थी ये भी पता लगा है, कुछ और दूसरे तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं, कहीं वो परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल है, मैंने कहीं पढ़ा था संजय सिंह और गोपाल नाम के कोई मिनिस्टर है ना, वो थोड़े लंगड़ते हैं। अच्छा अच्छा हाँ 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 परिवहन मंत्री गोपाल राय। इनके पुराने जमाने में नक्सलाइट्स के कोई रिलेशंस थे। ओके, ये यहाँ आके आम आदमी पार्टी में घुस गए, लेकिन पुराने जमाने में इनके कुछ नक्सलाइट संगठनों से रिलेशन थे। तो इनके ये देखिए महागठबंधन हो गया, जो चाइनावादी है, जो पाकिस्तानवादी है, फिर जो नक्सलाइट है, ये सब इकट्ठे हो गए, जिहादी है, तो ये सब इकट्ठा हो गए। दूसरी बात ये कि हम करें तो क्या करें, हमारा चेहरा तो कैमरे में आना चाहिए, ये भी बोखलाहट है। तो इसके लिए आगे चलकर हो गए कर गए आगे, अब अच्छा ये तो चुनाव लड़ेंगे नहीं तो उसका फायदा लेते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी है, लोकल मैटर है, और दोबारा वो तय होगा कि दिल्ली में भी उनको लोकसभा चुनकर वो नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो और बाकी अब दूसरी बात आपको देखनी चाहिए इसमें कि ये जो माँ और बेटा था वो तो अमेरिका निकल गए, अब राज्यसभा में बैठकर या लोकसभा में बैठकर कांग्रेस करेगी तो क्या करेगी? तो इनको दिखाना था कि हम बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने बोल दिया कि पार्टी को फुल टाइम प्रेसिडेंट चाहिए, तो राहुल गांधी ने बोल दिया कि ये तो बीजेपी से मिले हुए हैं। तो इनको अब ये साबित करना पड़ रहा है अपनी ही पार्टी में कि हम बीजेपी के साथ नहीं है। कांग्रेस के कुछ लोगों ने जो किया राज्यसभा में या लोकसभा में, उसका कारण ये, उनको कोई उधर को जो कोई प्रस्ताव आए, बिल्स आए, उससे कोई मतलब था ही नहीं, उनको सिर्फ दिखाना था कि हम बीजेपी के साथ नहीं है। अब कांग्रेस के सांसद है, उनकी हालत ये हो गई है कि उनको बार बार दिखाना पड़ता है कि हम बीजेपी के साथ नहीं है।
तो इसलिए उन्होंने मस्ती की है, दूसरा कुछ नहीं है। और देखिए जब लड़ाई होती है उसी समय सेनापति निकल गया, भाग गया, और ये आए कब, हमारे मराठी में बोलते वराती मागून घोड़े, यानी भारत तो निकल गई उसके बाद घोड़ा आ गया। तो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने के समय माँ और बेटा निकल गए अमेरिका, और सेशन खत्म होने के एक दिन पहले पहुंच गए, तो भारत तो निकल गई। बिल्कुल। अब यही उनको कुछ बताने नहीं थे तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसमें बेचारे गुलाम नबी आजाद करेंगे बे क्या, ये अजीब नबी है जो गुलाम भी है और आजाद भी है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम गुलाम है या आजाद है। कांग्रेस कांग्रेस की हालत आप समझिए कि कांग्रेस के नेता जो है उनको पता है नहीं कि वो किसके गुलाम है और कहां तक आजाद है। और तो ये हालत उनकी पार्लियामेंट में हो गई है, तो आजाद होने की कोशिश भी करते हैं तो उनको गुलाम बनाए रखा जाता है। नहीं, रखा नहीं जाता, वो आजाद बनने की कोशिश करती है और पूछा तू आजाद है, नहीं बोलते मैं गुलाम हूं। आप देखिए उनकी हालत, वो मीडिया को दिखाते हैं कि हम आजाद है, लेकिन पार्टी के जो कोई हाईकमांड है वो पूछता है तू आजाद है, नहीं नहीं बोलते हम गुलाम है। इसके सिवा कांग्रेस के पास कोई प्रोग्राम ही नहीं बचा है कि मीडिया के पास जाके बोलो हम आजाद है और पार्टी में बैठ के बोलो हम गुलाम है, बस यही प्रोग्राम बचा है। इससे जब कांग्रेस निकलेगी तो वो अपोजिशन को लीड करेगी, अपने पार्टी के जो डाउनट्रोड ग्रासरूट लेवल के कार्यकर्ता है उनको कुछ नेतृत्व दे पाएगी। लेकिन भाव ये कांग्रेस की विपक्ष की मदद करें ना करें, मोदी की तो बहुत मदद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं तो बहुत सारे आरएसएस वाले दोस्त भी है, वो कभी बोलते ना कि देखो मोदी तो एक स्वयं सेवक है, संघ ने बहुत स्वयं सेवक बनाए। मैंने बोला तुमने स्वयं सेवक बनाए मैं मानता हूं, लेकिन जो मोदी है ना उसको अपोजिशन और सेक्युलर लोगों ने बनाया, वो आपकी आपकी मिल्कियत है नहीं, वो तो अपोजिशन ने बनाया लेकिन घरे मानते नहीं कि ये हमने बनाया। हाँ, थोड़ी थोड़ी मेहनत वो आजकल अमित शाह पर ले रहे कि मोदी को अल्टरनेटिव भी चाहिए ना, मोदी तो अभी 70 साल की उम्र के आगे निकल गए जी। तो अपोजिशन को चिंता है, कांग्रेस वालों को चिंता है कि मोदी के बाद बीजेपी लीड कौन करेगा, तो ये अभी अमित शाह हो या और कोई लोगों को बना रहे मोदी की जगह लेने के लिए, भाजपा की नई लीडरशिप ये सब सेक्युलर बना रहे, सेक्युलर बना रहे। पर मुझे लगता है भाव के 2027-28 तक तो मोदी हैं, उसके बाद हो सकता है कि राष्ट्रपति बन जाएं और तब किसी का प्रधानमंत्री बनने का नंबर आए। क्या मालूम उस अब जिस 2027 बोल रहे वहां तक अपनी पार्लियामेंट्री सिस्टम रहे या यहाँ अध्यक्षीय सिस्टम आ जाए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाए, क्या मालूम है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी देखिए उसके लिए भी ये रास्ता बनाकर अपोजिशन दे रहा है कि इनको संविधान बदलना है, ये चिल्ला चिल्ला कर कौन बोल रहा है, लोगों की मानसिकता कौन बना रहा है कि भाई इस ढंग की डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये हार्मफुल है, इसके बजाय पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी अच्छी है, ये लोगों का मन बनाने की कोशिश अपोजिशन कर रहा है कि इस ढंग से अगर पार्लियामेंट चलेगी तो पार्लियामेंट के अधिकार निकाल लो और एग्जीक्यूटिव पावर का प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाओ। इसके लिए लोगों की आम जनता की मानसिकता इसी ढंग से बनती जाती है जी जी, कि ये इनको हम बात करने के लिए भेजते ही और वहां जाके तमाशा बना देते, मस्ती कर देते हैं, दंगा फसाद कर देते हैं, कि इसके बजाय पार्लियामेंट में कोई प्रस्ताव पास होने की जरूरत ही नहीं, प्रेसिडेंट अलग बनाओ, पार्लियामेंट अलग अलग रखो, पार्लियामेंट के अधिकार कम करो, ये जनता सोचने लगी है। बिल्कुल। ये जो सिस्टम आ गई है, एक एक देखिए हर हम
हर स्टेट में भी देखिए तो एक लीडर देख के लोग पार्टी चुनते हैं। 2011-12 से आपने जो बात की तो लोग देखते हैं कि भाई मिली जुली सरकार नहीं चाहिए। अब महाराष्ट्र में ये सरकार गिरती है तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि अब अगर राष्ट्रपति शासन आता है और चुनाव होते हैं तो बीजेपी अपने आप बहुत भारी बहुमत से चुन कर आएगी। जी, बड़ी भारी बहुमत से चुन कर आएगी। और इसलिए मैं बोलता हूं कि 2027 तक मोदी रहेंगे लेकिन प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या प्रेसिडेंशियल सिस्टम आकर वो प्रेसिडेंट बनकर सत्ता चलाएंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे वो शक्यता दिखाई देती है, संभावना दिखाई देती है, क्योंकि अपोजिशन लोगों का मन ऐसे बना रहा है कि ये सिस्टम गलत है, हमको अमेरिका जैसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए, हमको रशिया जैसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए। ये लोगों के मन में भरने का काम अपोजिशन कर रहा है। भाव बहुत धन्यवाद, बहुत समय लिया आज आपका, लेकिन आपने बहुत विस्तार से चीज़ों को समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।